आज हम बात करेंगे अपर्चर पे। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर जो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन पे लिखा था फुल इंग्लिश में ना, जो मुझे भी समझ में नहीं आता, हाउ वाइड द लेंस ओपनिंग इज व्हेन यू टेक अ पिक्चर। लेंस का अपर्चर बेसिकली वो लेंस के अंदर होता है। अब मेरे पास मैनुअल लेंस नहीं है यहाँ पे कोई, वरना मैं दिखाता आपको अपर्चर। तो होता ये है कि कितनी लाइट आपको कैमरे के लेंस से लेनी है, ठीक है। जब ये जितना ज़्यादा खुलेगा उतनी लाइट ये लेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं अपनी ज़बान में समझा रहा हूँ। अच्छा, अपर्चर जो है, सांस लो तुम पहले, ठीक है। अपर्चर जो है अब मेजर किस तरीके से होता है? मेजर होता है एफ स्टॉप्स में, ठीक है जी। अपर्चर एफ स्टॉप्स में मेजर होता है। सबसे कम अपर्चर का लेंस मेरे ख्याल से जो मेरे पास है 85 1.2 का क्या मतलब है कि 1.2 पे जब मैं जाऊंगा उसका अपर्चर करूंगा तो लेंस का अपर्चर बहुत ज़्यादा खुल जाएगा और उसमें लाइट बहुत ज़्यादा एंटर हो जाएगी, ठीक है। और इस पर पिक्चर शार्प आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि इतना महंगा लेंस है। मगर सबका जो है एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक मेजरमेंट पॉइंट होता है। जैसे 50 mm है, 50 mm के लिए आपको एक डिस्टेंस पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो बेस्ट और शार्प पिक्चर लेगा, ठीक है। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, अपर्चर जो है नॉर्मल जो आप लोग लेंसेज यूज़ करते हैं 1855 जो किट लेंस होता है जो है DSLR के साथ आता है, उसका अपर्चर होता है 3.5 से 5.6। पर आप ये नोटिस करिएगा, जब भी आप उसको कैमरे को घुमाएंगे मतलब जूम करेंगे थोड़ा सा, तो उसका अपर्चर 4.5 या 5.6 पे चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो फिक्स्ड अपर्चर लेंस नहीं होते, ठीक है। जैसे ही आप उनको जूम करेंगे 3.5 पे आपने रखा कि भाई आप 18 mm पे रख के अच्छी लाइट कैप्चर कर लेंगे, आराम से अच्छा शॉट आ जाएगा। मगर जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा भी जूम करा वो 4.5 या 5.6 पे चले जाएंगे। तो मगर उससे लाइट आपकी फिर कम हो जाती है, ठीक है। और अपर्चर जो है बहुत जगह इस तरह भी काम आता है, जैसे लोगों का वो कहना होता है कि भाई ब्लर बैकग्राउंड बेसिकली काम करता है ये लेंस और आपका अपर्चर। जितना कम अपर्चर होगा, 2.8 के लेंसेज भी बहुत आसानी से आते हैं, जैसे 2.8 के लेंसेज आपको 70 200 70 200 वगैरह। अच्छा, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास 24-105 या 70-300 भी लेंस है ना आपके किट लेंस के साथ, तो आप उससे भी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आराम से कर सकते हैं अगर आप दूर जाके और जूम फुल लेंस को फुल जूम करके पिक्चर लें, ठीक है। उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5.6 अपर्चर पे जा रहा हो या 6.3 पे। फिर होगी बात ये कि जूम कितना है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है 70-300 पे आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, जब आप उधर चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा, अगर उतना नहीं होगा जितना कि 2.8 या 1.2 या कम अपर्चर पे होना चाहिए था। अपर्चर की एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ, ये बेसिकली पिक्चर की शार्पनेस का काम करता है। अच्छा, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का भी मैं बता दूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपर्चर रखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 7.1, 10, 13, 16, जितना मैक्सिमम ना। अगर कहीं कहीं तो ये होता है कि अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रोडक्ट्स में आपको लाइट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है तो अपर्चर फुल शार्पनेस देने के लिए आपको अपर्चर 22 तक भी लेके जाना पड़ता है। मैक्सिमम अपर्चर 22 ही होता है, आपके लेंस में मेंशन होता है। ये जैसे इस पे लिखा हुआ है, कहाँ है उस वाले पे तो लिखा हुआ है, जगह इस पे नहीं लिखा हुआ, पता नहीं, ये सस्ता वाला है ना, तो उस पर मैंशन होता है कि भाई 4.0 की सीरीज है, बल्कि हाँ ये रहना, ये देखें इस पर जैसे मेंशन में लिखा हुआ नहीं होगा 1.8, ठीक है, ये 1.8 का है। तो इसका अपर्चर 1.8 है, 50 mm 1.0। बिगनर्स के लिए मैं बता चलूँ ये लेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर आप लोग क्रॉप बॉडीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्रॉप सेंसर्स का मैंने पिछले बारे में बताया था, क्रॉप बॉडीज़ क्या होती हैं, क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम का फ़र्क, नहीं तो पिछले वाले जाके ट्यूटोरियल देख लें, दोबारा नहीं बता रहा। तो ये है कि समझ लो, तो फिर वो ये है कि अब तीनों चीज़ें जब हम लोग साथ पढ़ेंगे ना, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO, तब असल जाके उसका तीनों का मेन काम समझ में आएगा, ठीक है। अब ये है कि इंशाल्लाह हर संडे के दिन रात में किसी टाइम पे मैं स्नैपचैट पे एक अपडेट डाला करूँगा कि मैं इस टाइम पे लाइव जा रहा हूँ। उस वक्त हम बैठ के जब लाइव सवालात करेंगे ना, असल चीज़ें क्लियर जब होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई मैं कोई पढ़ाता वगैरह नहीं हूँ, बस आप लोगों की फरमाइश पे है, कैसे सोच के बस एक नई चीज़ स्टार्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, अगली क्लासेस का फिर देखते हैं कि क्या करना है इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी।